नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्मांतरण मामले को बेहद ही गंभीरता से लेते हुए मामले की तह में जाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ने दोषियों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई कर उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में निरुद्ध करने के भी आदेश दिए गए। इसी के साथ ही आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धर्मांतरण कराने वालों की संपत्ति जब्त कर सख्त कार्रवाई की जाए। बता दें कि यूपी में एटीएस ने सोमवार को जबरन धर्मांतरण कराने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। दिल्ली से संचालित ये गिरोह बड़ी संख्या में लोगों का धर्मांतरण पैसा, शादी और नौकरी के लालच में करवा चुके हैं। इसके साथ ही सोमवार को लंबी पूछताछ के बाद दो लोगों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले में एक का नाम मुफ्ती जहांगीर आलम है तो वहीं दूसरे का नाम उमर गौतम बताया जा रहा है। इन लोगों ने 1000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण कराया है, जिसमें अधिकतर हिंदुओं को मुस्लिम बनाया गया है। ऐसे में अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने यह बताया कि मूक बाधिर छात्रों और कमजोर आय वर्ग के लोगों को धन नौकरी के साथ शादी करवाने का लालच देकर धर्मांतरण कराया जा रहा था, जिसका खुलासा गाजियाबाद के डासना से गिरफ्त में आए इन दो युवकों विपुल विजय और काशिफ की गिरफ्तारी के बाद हुआ है। एटीएस ने इस पूरे मामले की छानबीन भी शुरू कर दी है और इस बीच दोनों युवकों की निशानदेही पर जहांगीर और उमर गौतम को पूछताछ के लिए लखनऊ मुख्यालय बुलाया गया था और इसी दौरान सोमवार को लंबी पूछताछ के बाद दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। धर्मांतरण पर योगी सख्त दोषियों पर लगेगा रसूखा, संपत्ति भी जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं।